फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बजट ट्रैवलर। आज हम आए हैं सिसवा डैम अपने दोस्त चंद्रशेखर के साथ। आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि सिसवा डैम में क्या क्या एक्टिविटी आप इंजॉय कर सकते हैं और किन किन जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ सिसवा डैम को एक्सप्लोर करने के लिए। सिसवा डैम शिवालिक फुट हिल्स के पास कुराली बद्दी हाईवे पर स्थित है। चंडीगढ़ से इसकी दूरी 20 किलोमीटर है और ट्रैवलिंग टाइम में कार लगभग आधे घंटे का है। सिसवा डैम पर आप बोटिंग, नेचर ट्रेल, हार्बर कॉर्नर, फिशिंग, बर्डिंग और साइकिलिंग जैसी एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। सिसवा डैम पर 40 से 50 कार पार्किंग की सुविधा भी है। सिसवा डैम के एंट्री गेट पर ही है ब्लैक होल क्लब कैफे। इस क्लब कैफे का डिज़ाइन जरा हटके है और देखने में बेहद ही खूबसूरत है। अगर आप फोटो खिंचवाने के शौकीन हैं तो ये जगह एक बेस्ट लोकेशन है। इस क्लब हाउस का एम्बियंस हमें काफ़ी पसंद आया, पर जहां पर खाने पीने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था। सिसवा डैम का निर्माण 1998 में किया गया था। डैम की लंबाई 435 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। इस जगह को पंजाब गवर्नमेंट ने अगस्त 2021 में एज ए टूरिस्ट प्लेस डेवलप किया है। सिसवा डैम के नॉर्थ एंड पर एक पार्क, रेस्टोरेंट, बोटिंग और हर्बल कॉर्नर को डेवलप किया गया है। सबसे पहले हमने जहाँ पर बोटिंग को एक्सप्लोर किया, भाई साहब जहाँ पे टिकट प्राइस क्या है? टिकट प्राइस भाई 100 रुपये पर पर्सन है। हाँ जी, मंडे ओपन है। मंडे ओपन और साथ में मतलब कि सभी बोटिंग में सेम ही है? सभी बोटिंग में सेम है। इलेक्ट्रिकल बोट है, इलेक्ट्रिकल बोट का 800 रुपया चार बंदों का। 800 रुपया चार बंदों का, उसमें 6 बंदे जा सकते हैं, 6 का 1200। अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। 2-सीटर बोटिंग इस साइड से होती है। शेखर जी पूरा जोर लगा रहे हैं बोटिंग के लिए। जब हम लास्ट टाइम जहां पर आए थे तो जहां पर बोटिंग जैसी कोई सुविधा नहीं थी, पर इस समय बोटिंग की सुविधा है। आने वाले समय जहां पर कैंपिंग की सुविधा भी दी जाएगी। हमने लगभग 20 मिनट बोटिंग की, उसके बाद हम वापस बोटिंग डेक पर पहुंच गए। बोटिंग करने के बाद हम निकल पड़े हर्बल कॉर्नर को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पर स्टीविया, ब्लैक तुलसी, कपूर तुलसी, सफेद मुसली, लेमन ग्रास और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स लगाए हुए हैं। रिसेप्शन के बैक साइड में है कंटीन, जहां पर खाने पीने की चीजें आपको उचित दाम पर मिल जाएंगी। यहां पर बैठने के लिए भी शेड बनाई गई हैं, जहां पर बैठकर आप अपना स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। जहां पर कैंपिंग के लिए हट्स बनाई गई हैं, पर अभी इनकी शुरुआत होना बाकी है। सिसवा नेचर ट्रेल, इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर। इस समय हम जा रहे हैं सिसवा नेचर ट्रेल पर वॉक के लिए। ये है सिसवा नेचर ट्रेल पर बना व्यू पॉइंट नंबर 1।
इस समय हमने लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है नेचर ट्रेल में और हम काफ़ी थक गए हैं इस समय। देखिए शेखर जी का हाल, इस समय इस नेचर ट्रेल में मैं और मेरा दोस्त, इसके अलावा हमें कोई भी पर्सन दिखाई नहीं दिया अभी तक। ये है व्यू पॉइंट 2। आपको दिखाते हैं अभी व्यू पॉइंट 2। यहां से आप पूरा सुपर डैम देख सकते हैं। यह है जहाँ का व्यू पॉइंट 2। ये भी काफ़ी हाइट पर आप देख सकते हैं पीछे मेरे सिस्मा डैम। इस समय हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट 3 की तरफ। हमें अगर जहाँ पर सबसे ज़्यादा कुछ दिखाई दिया है वो है कैक्टस के पेड़। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे है शानदार व्यू। हमारी सांस फूलनी शुरू हो गई है। अभी हम इस महीने प्रैक्टिस कर रहे हैं मनी मेज ट्रैक पर जाने की। आप यहां पर मैना की आवाज भी सुन सकते हैं, मैना और कोयल। टीम की तरफ जाने वाला रास्ता। अब हम पहुंच चुके हैं व्यू पॉइंट 3 सिस्वान डैम पर। यह भी काफी ऊंचाई पर है। यस, शेड बारिश से बचने के लिए और यह है व्यू पॉइंट सिस्मा डैम। इस समय हम हैं सिस्मा डैम व्यू पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। ये देखिए जहां का व्यू। मेरे पीछे है खाई, ये देखिए। जहाँ पर वन विभाग ने कुछ इंफॉर्मेटिव बोर्ड लगाए हैं, जैसे कि मेरे पीछे जो बोर्ड है उस पर इंफॉर्मेशन है कि 70,000 प्लांट स्पीसीज हैं जो कि मेडिसन में यूज़ होती है। चलिए बढ़ते हैं अब व्यू पॉइंट 4 की तरफ। चलिए शेखर जी मेरे साथ। जहाँ पर आप आसपास बहुत ही रंग बिरंगी चिड़ियाँ भी देख सकते हैं जो कि अमूमन हमें हमारे आसपास अब देखने को नहीं मिलती। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं व्यू पॉइंट 4 की तरफ। देखिए हम पहुंच चुके हैं व्यू पॉइंट के ऊपर। Wow.
व्यू पॉइंट फॉर सिस्मा डैम। यहाँ पर पहुंचकर हमें लग रहा है कि जहाँ पर आना आज का टूर हमारा सफल हो गया। ये देखिए यहाँ का व्यू पॉइंट नज़ारा, शानदार नज़ारा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं व्यू पॉइंट 5 की तरफ। अगर आप दोस्तों के साथ ट्रिप करने आ रहे हैं तो जहां पर आ सकते हैं, फैमिली के लिए ये जगह एडवाइजेबल नहीं है। प्रॉपर साइड है ऐसी रास्ता पे चलो, क्या रास्ता है? ये है यहाँ का सबसे हाईएस्ट व्यू पॉइंट, जहाँ से हम वापस जाएंगे। ये देखिए सबसे हाईएस्ट व्यू पॉइंट। ये है जहाँ का हाईएस्ट व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट नंबर 5। ये देखिए जहाँ से इस जगह का नज़ारा। तो ये था हमारा सिस्मा डैम पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सकें। Thanks for watching. Thanks for your time.